अभी तक तो हम आपको ये नहीं बता पाए कि आखिरकार ये महंगाई क्यों बढ़ गई है। इसका जवाब सरकार के पास तो नहीं दिखता है, लेकिन जो व्यवसायी हैं उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि बेमौसम बरसात और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से फल और सब्जी की कीमत बढ़ी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दलील सिर्फ पैसा वसूलने की एक दलील नजर आती है। पहले दाल ने रुलाया, अब फल और सब्जियां आंसू निकाल रहे हैं। जेब खोखली होती जा रही है। कीमतों में 25% से लेकर 100% तक का इजाफा हुआ है। जानकारों की माने तो बढ़ती कीमतों की तीन बड़ी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है बेमौसम बरसात। जब बारिश की जरूरत थी तब लू चल रही थी, और जब जरूरत खत्म हुई तो झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे खेत में फसलों को नुकसान हुआ। दूसरी बड़ी वजह है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त। तेल की कीमतें बढ़ने से फलों और सब्जियों की ढुलाई का खर्च बढ़ गया। तीसरी बड़ी वजह है त्योहार। त्योहार में फल और सब्जियों की मांग बढ़ जाती है, जबकि इस बार उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। जाहिर है जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें त्योहार को बेमजा कर रही हैं। हम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कहीं भी फल फ्रूट सब्जी वगैरह का भी इस तरह का स्टोर नहीं किया जाए। उम्मीद सरकार पर टिकी है कि वो कीमत पर काबू करने का कोई नया फॉर्मूला ढूंढ निकाले। आज तक ब्यूरो।